नेत्रदान पखवाड़े के तहत हमीरपुर सीएमओ कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अलावा आशा वर्कर ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। इस अवसर पर नेत्रदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए जानकारी दी गई, तो नेत्रदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करने के लिए आह्वान किया गया। सीएमओ ने कहा कि नेत्रदान करके लोग समाज के प्रति अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करने के लिए आगे आए। सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि नेत्रदान के प्रति लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां फैली हैं और हर व्यक्ति को नेत्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो वह भी नेत्रदान कर सकता है। सोनी ने बताया कि एचआईवी या फिर बड़ी सीरियस बीमारी के मरीज ही नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करने के लिए काबिल हो जाता है। उन्होंने कर्मचारियों को टिप्स देते हुए कहा कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति के साथ साथ बाकी परिजनों की काउंसलिंग करना भी बेहद जरूरी होता है। डॉक्टर अर्चना सोनी ने कहा कि कार्यशाला में बताई गई जानकारी को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए काम करना होगा, क्योंकि तभी इन कार्यक्रमों का लाभ सही उठ सकेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही हमीरपुर में भी आई बैंक शुरू होने की संभावना है, जिसमें लोगों को और सुविधा मिलेगी। हमने एज पर डायरेक्शंस गवर्नमेंट के हिसाब से उस हिसाब से ब्लॉकों में भी ये कार्यक्रम, ताकि हमारा ये मैसेज आगे आगे जाए। नेत्रदान के संबंध में मैं दो ही शब्द बोलूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, इन डिटेल बोल चुकी हूँ। तो नेत्रदान में ये चीज़ है कि एक है कि सबसे ज़रूरी है कि लोगों में कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं। कई बार होता है कि नहीं, हम कोई कौन व्यक्ति है जो दे सकता है, आँख का दान कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। मैं तो बोलती हूँ अंग दान सबसे बड़ा दान है। हम कहीं ना कहीं, हम सब एक व्यक्तिगत रूप में, मैं बोलती हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी ढंग से, कोई अनाज के रूप में दान करता है, कोई पैसे के रूप में दान करता है, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार हर कोई। बट एक बार मैं बोलती हूँ, आप मोटिवेट करके देखिए, एक बार आप अजमा के देखिए, अपने आप को, अपने एक शरीर के हिस्से को दान करके देखिए। आपको, आप ये सोचिए कि अगर आप एक व्यक्ति अगर आंख नेत्र दान करता है तो इससे दो व्यक्तियों को रोशनी मिलेगी। इससे बड़ा दान जिंदगी में क्या हो सकता है। और जो एक हमारे में एक चल रही है कि कौन कर सकता है, तो मैं यहाँ एक क्लियर मैसेज देना चाहती हूँ कि हर कोई कर सकता है, एक्सेप्ट चाहे हर कोई कर सकता है, चाहे चाहे उसमें जो विजन, चाहे ऐनक लगाता हो, चाहे उसमें विजन की प्रॉब्लम हो, चाहे छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, वो दान कर सकता है, है? चाहे ब्लड प्रेशर का हो, चाहे शुगर का हो, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि कि वो लोगों में धारणा है कि शायद हम नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, कुछ एक लोग हैं जो जिनको हम बोल सकते हैं कि वो नेत्र दान नहीं कर सकते हैं। उनमें हम बोल सकते हैं कि कोई जो कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे किसी को हेपेटाइटिस पीलिया का हुआ हो, पीलिया का जो सीवियर किस्म का हेपेटाइटिस बी एंड सी है ना, वो है, या फिर कोई एचआईवी एड्स वाला हो, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में हो, ऐसी कंडीशन में वही एक कुछ व्यक्ति हैं या वही एक पर्संस हो सकते हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। बाकी नेत्रदान करने के लिए, उसके लिए एक अभी आपको डिटेल में चर्चा भी कराई जाएगी, बताया भी जाएगा। इसके लिए अपने जीवन काल में अपने आप को एक सर्टिफाई करना होता है, एक परफॉर्मा है इसका, ऑनलाइन परफॉर्मा है, वो भरना होता है, ताकि, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी व्यक्ति को नेत्रदान के लिए कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसके साथ जो उसके किथ एंड किन्स हैं, क्योंकि जब मृत्यु के बाद तो दूसरे ही लोगों को पता होता है बेसिकली, तो उसके जो फैमिली, क्लोज फैमिली के लोग हैं, उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। और इसका कोई ऐसा स्पेस, स्पेसिफिक जगह नहीं है कि कहाँ कर सकते हैं। अभी तक हमारे स्टेट में बोलूँ तो दो ही जगह है, एक है शिमला में आईजीएमसी में और दूसरा कांडा में। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जैसा कि प्रयत्न चल रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे जिला में भी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक शुरू होने की संभावना है, तब तो हमारे जिला में बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ बेसिकली सरकार क्यों चाहती है कि हम इतना ज़्यादा आईसी करें, जितनी ज़्यादा हम पब्लिक में मैसेज देंगे, जितना लोगों में अवेयरनेस करेंगे, उतना ही लोगों में आप ये अवेयरनेस आएगी, ये मैसेज आएगा कि हाँ, हम ऐसा कर भी सकते हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से, और जो हमारे पीआरआईज बैठे हैं उनके, क्योंकि अक्सर हमारी जो कार्यशालाएं हैं, जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, वो आपके थ्रू होती हैं,
और बहुत सारी कार्यशालाओं में हमारे पीआरआईज इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीआरआईज के साथ भी कि जब भी आपके यहाँ कोई एक्टिविटी चल रही हो तो हेल्थ की एक्टिविटीज पर जरूर स्ट्रेस दीजिए। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर अंकित और शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सतीश शुक्ला भी मौजूद रहे। सतीश शुक्ला के द्वारा प्रोजेक्टर पर मौजूद पदाधिकारियों को नेत्रदान पखवाड़े की विस्तृत जानकारी दी, तो नेत्रदान की प्रक्रिया के बारे में भी कर्मचारियों को अवगत करवाया गया।